हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और कुछ टाइम से जो वीडियोस कल या परसों जो वीडियोस नहीं आए थे उनका कुछ कारण था, सेटअप किया था, अब रेगुलरली वीडियो अपलोड होंगे। और आज आपको एक वीडियो अलग से अपलोड किया जाएगा जिसमें CSIR नेट के बारे में जो कोर्सेज हैं वो यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कहीं से परचेज करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा 101%। आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, रेगुलर 3 से 4 क्लासेज आपको अपलोड की जाएंगी, या फिर लाइव का कोई ऑप्शन आता है ऐसा हमारे से एडजस्ट होता है तो हम लाइव का ऑप्शन भी करेंगे 101%, जो भी हमसे बन पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इसी सीरीज के अंदर नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। सोलिड का जो प्लेलिस्ट थी वो चल रही थी, क्लासिकल की वो चली भी, उसमें अपन नेक्स्ट आगे पार्ट करेंगे। ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस बचे हुए सेंट्रल फोर्स मोशन के वो एक दो दिन में अपन डाल दिए जाएंगे। ठीक है, अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सोलिड स्टेट फिजिक्स के जो वीडियो चल रहा था उसमें अपन कुछ प्लेन के बारे में स्टडी किया था और कुछ चीजें और के बारे में भी अपन देखे थे। आज अपन देखेंगे क्रिस्टलोग्राफी की जो डायरेक्शंस होती हैं वो किस तरीके से प्लेन में फाइंड आउट की जाती हैं, जो एरिया डेंसिटी होती है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, पैकिंग फैक्टर होते हैं वो प्लेन के किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, तो इन्हीं के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपन चलते हैं पहले जो आपका जो क्रिस्टल जो प्लेन इन सिंपल क्यूबिक और BCC बॉडी सेंटर्ड और FCC फेस सेंटर्ड के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो, जनरली आपको एक क्लियर पिक्चर बना के चलनी है, बस इनके बारे में यदि पीछे के जो वीडियो देखे हुए तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, बात करते हैं अपन सबसे पहले सिंपल क्यूबिक की। तो 110 प्लेन इन सिंपल क्यूबिक, यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको 100 प्लेन के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, APF फाइंड आउट करना है, यानी एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, और उसके साथ साथ आपको एरिया डेंसिटी भी फाइंड आउट करनी है, उसके साथ साथ कुछ चीजें और भी रिलेशन यहां फाइंड आउट करेंगे अपन। ठीक है, तो वो चीजें आनी चाहिए क्योंकि CSIR नेट का जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये रिलेटेड होते हैं, तो उनको अपन कॉम्बिनेशन बना के लास्ट में आपको असाइनमेंट सोल्व करवाई जाएगी क्रिस्टलोग्राफी की। तो आप देखना एक एक वर्ड का जो मीनिंग मैंने पीछे समझाया वो सारे के सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अपन चलते हैं 110 प्लेन इन सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो 110 प्लेन किस टाइप से बनता है, देखो पहले आपको एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। देखो ये देखो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो क्यूब होता है उसके जो एटम्स होते हैं वो कहां होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, और जो कॉर्नर्स वाले एटम होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हुए रखे जाते हैं, टच करते हुए रखे जाते हैं। ठीक है, चलो ये लो आपका सिंपल क्यूबिक, आप इस तरीके से ज़ूम कर रहे थे इसको, जो कोऑर्डिनेट है इसको क्या किया था वाई, इसको जेड और इसको एक्स, ये ज़ूम करके चले सिंपल क्यूबिक है। तो 110 प्लेन मैंने बनाना सिखाया था कि 1 के ऊपर जो आपका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, मान लो इस साइड ए है तो आप 1 लेके कंसीडर करके चल रहे हो, तो एक्स में जब आप चलोगे तो आप यही तो चलोगे एक्स में, इसका मतलब जो ये प्लेन है ये कौन सा है, 100 प्लेन है, मैं ड्रॉ करके बता चुका था पहले, तो ये आपका जो प्लेन है वो कौन सा है, 100 प्लेन है। ठीक है, मैंने वापस ड्रॉ कर दिया है इसको 100 प्लेन। ठीक है, अब इसके कॉर्नर्स पे एटम भी रखे हुए थे सिंपल क्यूबिक में, मैंने बोला था देखो इस तरीके से एटम रखे हुए थे कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो ये क्या था, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर था, ये लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब आपको तो क्या निकालना है, सिर्फ 100 प्लेन, तो 100 प्लेन की बात करता हूं तो मैं यहां पे इस तरीके से बात करूंगा, देखो 100 प्लेन। ठीक है, अब 100 प्लेन की बात कर रहे हैं तो देखो जो एटम है उसका ये कौन सा पार्ट कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा इसके अंदर, मैं बता चुका था इसी तरीके से करेंगे। अब आप एक काम करो, इसको इस तरीके से आगे ड्रॉ करो और इसको आगे ड्रॉ करो, इसको भी आगे ड्रॉ करो और इसको भी आगे ड्रॉ करो। ठीक है, इसको भी आगे ड्रॉ करो और इसको भी आगे ड्रॉ करो, एक बार समझने के लिए ड्रॉ करते हैं अपन। ये एटम इस
के अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, इसके अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो ये सेल है, ये जो प्लेन है, इसके अंदर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एटम भाई, इस एटम का इसमें भी आएगा कुछ हिस्सा, इसमें भी आएगा, इसमें भी हिस्सा आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो इसका, जो इस एटम का इसकी इस प्लेन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो कौन सा है? ये पार्ट है। और यदि मैं इस पूरे को कवर करूं तो कितने पार्ट और बच गए? तीन। और एक पार्ट इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब एक एटम अपना 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है इस एटम, इस प्लेन के अंदर। इसी तरीके से ये एटम भी 1/4 देगा, ये एटम भी 1/4 देगा, और ये एटम भी 1/4 देगा। आया समझ में? तो ये यदि 1/1/1 दे रहे हैं एटम्स, तो इसके अंदर पहला ही है अपना नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन प्लेन। तो इस 100 प्लेन के अंदर ये कौन सा प्लेन है अपना? 100 प्लेन है। कौन सा प्लेन है? 100 प्लेन है। तो इसके अंदर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आया भाई? 1/4 है, और इसका मल्टीप्लाई इंटू 4 इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। इसका मतलब जो आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है इन 100 प्लेन, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आया इसके अंदर? 1। इसका मतलब क्या है कि और कोई एटम इस प्लेन के अंदर है क्या? आप देखो ये बाहर की तरफ है इस क्यूब से, इसका मतलब क्या हो? एक डिब्बा देख लो, इस डिब्बा, ये डिब्बा है, इस डिब्बे का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसके अंदर आप एटम्स रखोगे इस तरीके से, तो जो एटम्स है उसके अंदर कोई और एटम कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है क्या? या कोई फलक वाला, या कोई नीचे, कोई भी नहीं है। इसका मतलब इसमें सिर्फ चार एटम है, और वो चारों एटम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, एक एटम कितना दे रहा है? 1/4। तो चारों कितना देंगे? 1 एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। इसी तरीके से मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा आगे वालों में, बस इसी में कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है एरिया ऑफ प्लेन। तो मैं बोल रहा हूं कि जो एक क्यूब है इसकी साइड ए है, सभी की क्यूब है तो साइड ए है इसकी, ठीक है, ए ए है सारों की। तो एरिया ऑफ प्लेन कितना आ जाएगा भाई? ढंग से नोट्स बना ले, क्योंकि आगे आपको ही काम में आने वाले हैं। तो एरिया ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा? क्या होगी? साइड स्क्वायर। भाई प्लेन का जो एरिया निकालोगे, कैसे निकालोगे? साइड स्क्वायर। तो साइड जो स्क्वायर आएगा वो आएगा ए स्क्वायर, क्योंकि सभी इक्वल साइड है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। इसका मतलब जो इसका एरिया आया वो कितना आया? ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पे चलो, एरिया डेंसिटी। एरिया डेंसिटी के बारे में मैं बता चुका हूं कि कितने नंबर ऑफ उस एटम, या तो उस यूनिट सेल के अंदर, या फिर अगर प्लेन की बात करें तो उस प्लेन में कितने इफेक्टिव एटम्स आ रहे हैं। यहां पे 1 एटम आ रहा है, तो 1 इंटू एरिया। एरिया कितना आया है? ए स्क्वायर। यदि वॉल्यूम होता तो यहां पे वॉल्यूम आता है, और एटम तो वही आते हैं यूनिट सेल के अंदर, तो अपना 1/a² आ गया। इस तरीके से आपको सभी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है इसका। अब अपने को निकालना है क्या है? एपीएफ। एपीएफ, एपीएफ मतलब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो मैं बता चुका हूं पहले भी जब करवाया था। तो देखो क्या आएगा, जो इफेक्टिव एटम्स एटम्स इन प्लेन प्लेन अपॉन एरिया एरिया ऑफ प्लेन, जो प्लेन का जो एरिया होगा, ठीक है। यदि यही पैकिंग फैक्टर अपन जब वॉल्यूम के लिए निकाल रहे थे, तो इफेक्ट जो वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कोई दिक्कत नहीं है, सब आओ इसी के अंदर बात करते हैं अपन, चलो ठीक है। तो देखो एपीएफ जो आपका आएगा वो क्या आएगा? एपीएफ जो आएगा वो आएगा आपका इफेक्टिव एटम्स इन प्लेन कितने हैं? 1। और एक एटम का जो एरिया होगा वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्रोजेक्शन सर्कल से दिखाई देगा, अपॉन एरिया ऑफ प्लेन यानी ए स्क्वायर। तो आपका ए स्क्वायर आ गया। अब दिक्कत ये है कि ऊपर वाला आर के टर्म में है, नीचे वाला ए के टर्म में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, रिलेशन में फाइंड आउट कर चुका हूं, सिंपल क्यूबिक में जो आर, सिंपल क्यूबिक में जो रिलेशन होता है आर और ए के बिटवीन, जो मैंने लेटेस्ट कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करवाया था, देखो वो कितना होता है? 2R इक्वल्स टू ए। एक बार वापस ब्रीफली बता देता हूं मैं कि जो सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स वाले एटम एक दूसरे को टच करते हुए रखे जाते हैं। तो मान लो ये प्लेन था आपका, तो इस प्लेन के अंदर जो एटम है वो किस तरीके से रखे जाएंगे? इस तरीके से अरेंज करते हुए, आपस में टच करते हुए,
तो इसकी मान लो ये r है, ये r है, तो इस साइड कितनी है a, तो ये r r कितनी हो जाएगी 2r, और ये साइड कितनी है a, तो 2r equals to a, ठीक है। तो ये रिलेशन है, तो मुझे r को a में लाओ चाहे a को r में, तो यहां से आप डायरेक्टली क्या कर लो, ये फाइंड आउट कर लो, देखो पाई r स्क्वायर और अपॉन a की जगह क्या वैल्यू रख दो 2r, तो कितना हो जाएगा 4 r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो पाई अपॉन बाई 4, ये कितना परसेंटेज हिस्सा आएगा, पाई बाई 4 ये कितना परसेंट हिस्सा आएगा, ये आप जब कैलकुलेट करोगे तब आपका 0.78% आए, 78 आएगा, और यदि परसेंटेज में बात करोगे तो 78% आएगा, ठीक है। तो एपीएफ फैक्टर जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है वो आपने सिंपल क्यूबिक में 100 प्लेन के लिए फाइंड आउट किया, किसके लिए फाइंड आउट किया, 100 प्लेन के लिए फाइंड आउट किया, मैं बार बार बोल रहा हूं 100 प्लेन के लिए फाइंड आउट किया है। आगे नेक्स्ट में आपको और भी प्लेन फाइंड आउट करने हैं इसी तरीके से इसी वे के अंदर। अब अपन बात करते हैं सिंपल क्यूबिक को हटाओ, अब अपन सिंपल क्यूबिक की जगह अपन बीसीसी की बात करते हैं, देखो सिंपल क्यूबिक हो गया, ठीक है, आ जाओ वो बात करते हैं, ठीक है, अब करने की जरूरत नहीं है इतना। लगातार आप बने रहिए, अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिस भी तरीके की होगी सारी हेल्प होगी, CSIR नेट IIT जेम रेगुलर बैच अपलोड, रेगुलर जो वीडियोज हैं वो अपलोड किए जाएंगे, या लाइव का जो कुछ सेशन ऐसा होता है कुछ सर्वर वर्वर की ऐसी हमारी बात चल रही है, जैसे भी होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो 100 प्लेन इन सिंपल क्यूबिक में किया था, अब अपन किस में करते हैं, अब अपन 100 प्लेन करेंगे, 100 प्लेन प्लेन इन बीसीसी बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड, जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये ऐसे ही रहने दो, ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं, यही चीजें निकालनी है तो बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं। देखो आपको बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर का मतलब होना चाहिए, पहले उसका पता होना चाहिए, तो वापिस प्लेन आप ड्रॉ करो, वही ये लो जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसी को आप ड्रॉ कर दो डायरेक्ट, तो जब आप डायरेक्ट इसको ड्रॉ करोगे तो ये तो आपका था वाई, और ये आपका था जेड, और ये आपका क्या था एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको 100 प्लेन ड्रॉ करना है, तो साहब 100 प्लेन ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और वही एटम्स रखे जाएंगे इसके ऊपर इस तरीके से अरेंजमेंट के, पर इस बार एक एटम कहां रखा जाएगा, इस बॉडी के सेंटर में, इस बॉडी के सेंटर में, तो जो आपका एक क्यूब है ना, ये क्यूब, ये क्यूब के ये जो एटम है ये इस सेंटर में रखा जाएगा, इस सेंटर में बीच में रखा जाएगा, इस सेंटर में, तो ये तो 100 प्लेन हुआ, और ये एटम इसके बीच में, तो इस एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन इस प्लेन में नहीं है, नहीं है ना, बट ये एटम जो बीच वाला एटम होता है मेरा बताया हुआ कि जो कॉर्नर्स वाले एटम है इसको टच जरूर करेंगे, ठीक है, ये इसको टच करते हुए रखे जाते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि ये एटम इसमें, जरूरी क्या, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, इसका इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इस प्लेन में नहीं होगा, ये बीच में रखा हुआ है सेंटर में, इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसके अंदर, कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसके अंदर, तो जो आपका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो कुछ चीजें चेंज नहीं हुई है। देखो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने रहेंगे इसके अंदर, वही वन रहेंगे, क्योंकि 1/4 इज मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 1, वो कि वो मैंने साइड बना के बताई थी, बार बार टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ प्लेन, एरिया ऑफ प्लेन भी वही रहेगा, ए स्क्वायर रहेगा, एरिया ऑफ डेंसिटी वही 1/a² रहेगी। एपीएफ क्या होगा, जो एपीएफ होगा आपका, एपीएफ जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होगा वो कितना होगा, देखो पाई आर स्क्वायर, भाई नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम वन है तो पाई आर स्क्वायर लिख देता हूं, अपॉन ए स्क्वायर,
बट यहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अब r को और a की टर्म में लेके आना है, बट r को a की टर्म में जब अपन सिंपल क्यूबिक में लेके आते हैं तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में आपका जो रिलेशन होता है वो a इक्वल्स टू 2r होता है, यही होता है। पर आपका जो बॉडी सेंटर्ड होता है उसमें नहीं होता। वापिस बता रहा हूं मैं, बॉडी सेंटर्ड में एक बार फिर से वापिस ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर देखो बॉडी सेंटर्ड में किस तरीके से अपन ने ड्रॉ किया था। देखो बॉडी सेंटर्ड के अंदर जो ये एटम था जो बीच में रखा हुआ था, ये आर और ये टू आर, बट यहां पे जो डिस्टेंस थी वो रूट टू ए थी ये, और ये ए थी, ठीक है, नहीं थी भाई। जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स में जो ये डिस्टेंस है नीचे वाली ये, और इस बॉक्स के बीच में से डायगोनलाइज आप निकालो वो डिस्टेंस ये, तो ये तो कितनी हो गई, क्योंकि एक एटम इसके इस कॉर्नर वाले पे, एक बीच में और एक ये ऊपर वाला, और इसके नीचे ये डिस्टेंस है नीचे वाली जो डायगोनलाइज है इसके नीचे वाली, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये रूट टू ए थी। तो यहां से आपको मैंने फाइंड आउट करके बताया था कि जो 4r है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट टू ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये तो रूट टू ए हो जाएगी, बट ये डिस्टेंस कितनी है, ये तो ए ही होगी, तो ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16r स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहां से जो 4r और ये कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा, रूट थ्री ए, ठीक है, ये लो। तो यहां से आपका जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4r, कितनी आएगी, 4r अपॉन रूट थ्री और a जो है ये आ जाएगी, ठीक है, 4r अपॉन रूट थ्री थी। वहां पे कितनी थी, वहां पे अलग सिस्टम था, वहां पे a इक्वल्स टू 2r था, ये नहीं है, बट यहां पे जब वैल्यू पुट करोगे आप तो देखो क्या मिलेगा आपको, पाई r स्क्वायर अपॉन, ठीक है, नीचे a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 16r स्क्वायर, ठीक है, रूट थ्री का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, थ्री, तो थ्री कहां जाएगा, ऊपर, ठीक है, ये लो, ये ऊपर चला गया, तो इससे क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और कितनी वैल्यू आएगी, थ्री पाई अपॉन 16, ठीक है। और जब इस वैल्यू को सोल्व करोगे आप तब वैल्यू जो मिलेगी आपकी, वो वैल्यू मिलेगी 0.58, और इसको जी परसेंटेज में काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 58%, कितना मिलेगा, 58%। इस तरीके से आप एफसीसी के अंदर भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप किसमें, आप 100 के अलावा अपन और में भी बात करेंगे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं अपन किसके अंदर, एफसीसी के अंदर 100 प्लेन के अंदर एपीएफ और जो आपका जो एरिया डेंसिटी है, एरिया है, वो किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वो 100 प्लेन इन एफसीसी अपन बीसीसी के लिए स्टडी कर चुके हैं, सिंपल क्यूबिक के लिए स्टडी कर चुके हैं, अब अपने को जो स्टडी करना है वो करना है एफसीसी के लिए। तो क्या करना है, देखो साइड में 100 प्लेन इन एफसीसी किसके अंदर, फेस क्यूबिक स्ट्रक्चर, सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर स्टडी करना है। तो देखो बार बार स्टडी ना ड्रॉ ना करके, आपको पता है कि मैं सिंपल वे में बता देता हूं आपको कि जैसे आप एफसीसी को ड्रॉ करोगे तो आपको पता है, मैंने बता दिया किस तरीके से एफसीसी को आप कंस्ट्रक्ट करते हो, बनाते हो, ये मैं जो पहले वाला वीडियो है उसी में स्टडी जो डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। देखो ये क्या है, ये था अपना वाई एक्सिस, ये था जेड एक्सिस और ये एक्सिस, ठीक है, बस इसमें कुछ चीजें चेंज हुई हैं जिन पे अपने को डिस्कस करना है। देखो जो कॉर्नर वाले एटम है वो तो एज इट इज रहेंगे, आपको पता है कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, बट इस बार जो फेस सेंटर्ड जो है इसका मतलब एक एटम इस ऊपर वाले फेस में, एक यहां, एक नीचे और एक इस फेस पे, और एक बाहर वाले एटम को और अंदर वाले एटम को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इनको अपन देखते हैं किस तरीके से 100 प्लेन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन आता है।
तो सबसे पहले जो पॉइंट है अपना वो फाइंड आउट करते हैं, वो करते हैं अपन क्या, इफेक्टिव एटम्स इन 100 प्लेन कितने होंगे प्लेन के अंदर, बात कर देंगे। मैंने क्या बोला, दो तरीके निकाल लेंगे, मैंने एक कंट्रीब्यूशन के तरीके से बताया, एक आप एंगल से भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट आप यहां जनरली आप उससे देखो तो बेटर रहेगा। देखो कंट्रीब्यूशन से, देखो ये इस तरीके का प्लेन है आपका बाहर वाला, और इस प्लेन में क्या है, जो चार एटम है जो वो एटम है इस तरीके से, ठीक है, और ये इस तरीके से एटम है। चलो भाई साहब ये तो ठीक है, उसके साथ साथ इसके एक फेस पे भी तो एटम है, वो कहां होगा, वो एटम यहां होगा। देखो मैं यहां पे जनरल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, 3D में ये डायग्राम देखोगे आपको ये एटम इस एटम को टच करते हुए बनाए जाते हैं, मैं जनरली दर्शाने के लिए मतलब दिखाने के लिए आपको अलग अलग बना रहा हूं। इसका मतलब आप इफेक्टिव एटम्स जब निकालोगे एंड फाइंड आउट करोगे तो स्मॉल एन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/4, और कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चार एटम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। बट जो ये बीच वाला एटम है पूरा इस प्लेन के बीच में आ रहा है, पूरा पूरा अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इस प्लेन में दे रहा है, इसका मतलब ये प्लेन में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, 1। इसका मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां से। उसके बाद आपका जो सेकंड पॉइंट है वो आप जो फाइंड आउट करते हो, वो फाइंड आउट करते हो आप क्या, एरिया ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है, ये जो प्लेन है इसका एरिया कितना होगा। देखो साइड सब इक्वल्स है, इसका मतलब क्या होगा, एरिया डायरेक्ट आप बता सकते हो कितना, ए स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया इसका, एरिया ऑफ प्लेन कितना आ गया, ए स्क्वायर। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट अपने को जो मेमोराइज रखना है वो कौन सा रखा है, एटॉमिक डेंसिटी क्या होगी, यानी एरिया डेंसिटी क्या होगी, एरिया डेंसिटी किस तरीके से फाइंड आउट करते हो, जितने इफेक्टिव नंबर्स आते हैं ना वो अपॉन प्लेन का एरिया, ये यूनिट सेल होगी तो उसका वॉल्यूम, तो कितना आया इसका एरिया कितना था, ए स्क्वायर, क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब उसके बाद आपको निकालना होता है पैकिंग फैक्टर, फोर्थ नंबर पे आपको निकालना होता है एपीएफ किस तरीके से, जितने इफेक्टिव नंबर्स आते हैं एटम वो इनटू एरिया यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन नीचे प्लेन का एरिया, तो प्लेन का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, ठीक है। अब या तो आर को ए की टर्म में लेके आओ या ए को आर की टर्म में लेके आओ। इसके लिए एफसीसी के लिए जो आप मैं पीछे भी वीडियो में बता चुका हूं, तो एफसीसी के लिए जो आता है, एफसीसी के लिए क्या आता है, रिलेशन क्या आता है आपका, 2R equals to a/√2, यही होता है। इसका मतलब जो a का रिलेशन आएगा वो कितना आएगा, 2√2 और r, ये रिलेशन आएगा। इसको यहां पे जब रखोगे तो पैकिंग फैक्टर कितना आ जाएगा ना, apf की जो वैल्यू आएगी वो आएगी apf equals to देखो 2πr² अपॉन a की जगह वैल्यू रखोगे कितना आएगा, 4 × 2 और कितना आ जाएगा साथ में, r² 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू कितनी आई, π/4, ठीक है। तो जो π/4 आई है इसको जब सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट 78.5 कुछ वैल्यू आपको परसेंटेज में मिलेगी, ठीक है, परसेंटेज में मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, पैकिंग फैक्टर निकाल सकते हो, किसके लिए, 100 प्लेन के लिए और किसके अंदर, एफसीसी के। यहां तक डिस्कस किया अपन ने, ठीक है, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाते जाएं। आज हमने सेटअप कर लिया है, कल से आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और मे बी इलेक्ट्रोडायनामिक्स की क्लास भी आपकी कल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट CSIR नेट और IIT जैन 2021 का लॉकडाउन और इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है उसमें आप ऑनलाइन परचेज नहीं करें तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप कोई जरूरत नहीं आपको ऑनलाइन कोर्स परचेज करने की, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलो। देखो अभी तक जो आपने डिस्कस किया वो सिंपल था, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, क्या होता चला जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, मुझे फाइंड आउट करना है 1 1
जीरो प्लेन, प्लेन किसके अंदर, सिंपल क्यूबिक बीसीसी और एफसीसी, ठीक है। धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे। सबसे पहले 100 प्लेन भी ड्रॉ करो भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट बात है कि पहले 110 प्लेन आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। वो मैं पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं वैसे तो सिंपल वे में, तो बट आपको अभी वापस ड्रॉ करना बता देते हैं, ठीक है, किस तरीके से ड्रॉ होंगे। इसी में टाइम कर लेते हैं, टाइम वेस्ट ना करके, ठीक है। देखो किस तरीके से ड्रॉ करोगे आप, ये आपको बता देते हैं, ठीक है। ये सिंपल क्यूबिक है और 0-0 प्लेन सिंपल क्यूबिक के अंदर डिस्कस करते हैं और फिर बीसीसी के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके बाद एफसीसी के अंदर करेंगे, ठीक है। तो 100 प्लेन ड्रॉ कैसे करोगे, सबसे पहले देखो 100 प्लेन का मतलब x की वैल्यू, x पे कितना है, x 1 है, तो यहां पे 1 ड्रॉ, ठीक है, ये लो आप 1। उसके बाद आपको कहां है y पे 1, तो y पे 1, इन दोनों लाइनों को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, कर दोगे। अब इन लाइनों को आपको ऊपर बढ़ाना है सेम सिचुएशन में और आपस में कनेक्ट कर देना है, तो ये आपका जो प्लेन ड्रॉ होगा ये कौन सा होगा, 1 1 0 प्लेन, कौन सा, 1 1 0 प्लेन, ठीक है। बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक में जो भी एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे रखे हुए थे, इसका मतलब एक एटम यहां पे भी होगा, 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 इसका मतलब ये प्लेन किस तरीके से ड्रॉ हुआ है, ये प्लेन इस तरीके से ड्रॉ हुआ है, आप देखते जाए कंप्लीट इस तरीके के जो क्वेश्चन है प्लेन वाले वो आपको आने चाहिए, ठीक है। यहां पे एक एटम होगा, यहां पे भी एटम होगा और यहां पे भी एटम, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। उसके साथ साथ आप एक चीज देखो, और कोई एटम होगा किसके अंदर, नहीं होगा ना, वैसे सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम होते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है, इस बार ये डायगोनल वाली डिस्टेंस है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस कितनी होती है अपनी, √2a, क्योंकि ये a है, ये a है, तो √2a आएगी ना बीच वाली, तो √2a, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी √2a और ये डिस्टेंस कितनी होगी a, बस क्लियर हो। अब आपका वही आप बेसिक नंबर वाइज करते जाएं, सबसे पहला इफेक्टिव इफेक्टिव एटम इन प्लेन कितने होंगे, बताओ जरा इफेक्टिव एटम कितने आएंगे अपने, इफेक्टिव जो एटम आएगा अपना वो आएंगे n n इक्वल्स टू 1/4 × 4 = 1, और कोई एटम दिख रहा है, और एक एटम अपना कितना कंट्रीब्यूशन देगा इस प्लेन में, 1/4, तो चार एटम कितना देंगे, 1। उसके साथ आपका दूसरा पॉइंट आता है क्या, एरिया ऑफ प्लेन कितना होगा, एरिया ऑफ जो प्लेन है वो आपका होगा, देखो साइड स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो a और √2a, इस बार जो एरिया आएगा कितना आएगा, √2 और a स्क्वायर आएगा, सिंपल एरिया तो फाइंड आउट कर ही सकते हो इसका, ठीक है। है आप उसके बाद क्या फाइंड आउट करते हो, एरिया डेंसिटी कैसे फाइंड करोगे, जो एरिया डेंसिटी है वो मैं बता चुका हूं कि जो एरिया डेंसिटी किस तरीके से फाइंड आउट करनी है आपको, एरिया डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है जितने इफेक्टिव नंबर आए हैं, यानी 1 आया तो 1 अपॉन प्लेन का एरिया, तो प्लेन का एरिया कितना अपना √2a², ठीक है, √2a². अब अपन आगे डिस्कस करते हैं, आगे क्या निकालते हो आप, फोर्थ पार्ट क्या निकालते हो, एपीएफ, एपीएफ एटॉमिक क्रैकिंग फैक्टर किस तरीके से आएगा, यानी जितने इफेक्टिव एटम्स 1 × π r² अपॉन प्लेन का एरिया यानी √2a². अब वही प्रॉब्लम, या तो r को a में लेके आओ या a को r, तो आपको पता है सिंपल क्यूबिक के लिए क्या रिलेशन होता है, 2r = a, a की जगह पुट कर दो, तो π r² अपॉन √2 × क्या आएगा, a² यानी 4r² कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू आई, पाई अपॉन 4√2 ये आएगी। आप क्या कह सकते हो, तो ये वैल्यू आई, ये क्रैकिंग फैक्टर है, और इसकी जब वैल्यू स्टडी करोगे आप तो आपको जब मिलेगी तो वो मिलेगी कितनी, 55.5 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ये आपका क्रैकिंग फैक्टर आ गया, किसके लिए, 1 1
जीरो प्लेन, वन वन जीरो प्लेन के लिए इन सिंपल क्यूबिक, ठीक है, फर्स्ट क्लियर हुआ। अब अपन स्टडी करते हैं इसके लिए बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए, ठीक है। तो बीसीसी की जब आप स्टडी करोगे, सेकंड डाल लेना भाई, बीसीसी वन वन जीरो प्लेन इन बीसीसी ब्रैकेट में वन वन जीरो प्लेन, ठीक है। तो करो कॉर्नर्स पे तो एकदम होंगे, ठीक है, ये लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो होने ही है। इसके साथ साथ एक आइटम यहां बीच में भी होगा, इस पर बॉडी के सेंटर में, और वो इस प्लेन को कवर करेगा कि नहीं करेगा, पूरा प्लेन के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब ये मान लो एक कमरा है, इस कमरे को इस तरीके से प्लेन काटो आप पूरा, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आप ऐसे डालो पूरा एक प्लेन, ठीक है, इस तरीके से मान लो, ये मान लो ये इस तरीके का प्लेन है, इसमें ऐसे डालो, तो ये जो एटम रखा हुआ है बीच में रखा हुआ सेंटर, और ये पूरा तक जाएगा बीच में, तो इसके सेंटर में आएगा वो एटम। इसका मतलब जो ये प्लेन है, जो ये एटम है, इस प्लेन के काम होगा बीच में कुछ इस तरीके से। तो अब क्या है, सिर्फ चेंज क्या वैल्यू हुई कि जो इफेक्टिव एटम्स है वो इस बार एक एटम और बढ़ जाएगा, यानी वन और कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब टू एटम है। एरिया प्लेन का वही रहेगा, एरिया डेंसिटी कितनी हो जाएगी, टू अपॉन रूट टू ए स्क्वायर, यानी टू से टू कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, रूट टू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। उसके साथ एपीएफ, एपीएफ भी चेंज होने वाला है। एपीएफ क्यों चेंज होगा, देखो यहां टू रखोगे, रखोगे तो टू से ऊपर कितना बचा, रूट टू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह बीसीसी के लिए रखना है, तो बीसीसी के लिए रिलेशन में फाइंड आउट कर चुका हूं कितना होता है, फोर आर इक्वल्स टू रूट थ्री ए, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, फोर आर अपॉन रूट थ्री, ये वैल्यू उठा के रखते हो यहां पर, बीसीसी के लिए होता है रिलेशन, तो फोर आर का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, देखो रूट टू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, सिक्सटीन आर स्क्वायर, सिक्सटीन आर स्क्वायर अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री ऊपर जाएगा कितना आएगा, थ्री, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई, थ्री और रूट टू अपॉन सिक्सटीन पाई, ये वैल्यू है। इसको जब आप डिटेल में देखोगे तो वैल्यू जो आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है 83%, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बता रहा हूं, बाकी आपको कहीं ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, तो आप यहां से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, वन वन जीरो प्लेन इन बीसीसी। अब किसकी बात करते हैं अपन, वन वन जीरो प्लेन इन एफसीसी। तो एफसीसी के लिए देखो, जब एफसीसी के लिए करोगे तो ये आइटम ना होगे, कहां होगा आइटम, इसके फेस पे होगा, नीचे वाला फेस, इधर वाले, ठीक है, ऊपर वाले पे और इधर वाले फेस पे, और ये इसके पीछे वाले। बट आप एक चीज देखो, ये प्लेन ऐसे बीच में से कटा हुआ है, ठीक है, तो ऊपर वाला ऊपर से पूरा टच करता हुआ जा रहा है, नीचे टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है, ये उधर वाले फेस को और इधर वाले इस फलक इस फेस को थोड़ा टच कर रहा है। इसका मतलब जो ये इसका जो इस प्लेन में जो एटम आएगा वो कौन कौन से एटम आएगा, ये ऊपर से टच कर रहा है मतलब इस फेस पे जो एक एटम है वो आएगा, आएगा इस तरीके से, जो नीचे वाले फेस के ऊपर जो एटम है वो भी इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, पर ये तो नहीं आएगा ना, ये तो उधर है थोड़ा, थ्री डी इमेज है, ये तो बीच में से निकल रहा है इस तरीके से ऐसे, तो ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा फेस, ऐसे ही इधर वाला कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ इतना पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इसके। आप एक काम करना, आप जैसे ही डिब्बा है इसमें स्क्वायर काट के आप डालो, और उसके बाद एटम देखो कहां पे टच कर रहा है, ये देखो मैं आपको बता देता हूं जल्दी, ठीक है, देखो जल्दी देखते रहो एक सेकेंड, ठीक है, देखो ये मान लो 100 प्लेन, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, तो ये नीचे टच कर रहा है, तो इसके जो एटम आएगा वो टच करेगा, ऊपर भी टच करेगा इसका, और इस पेज ये वाला फेस वाला एटम कौन ना करेगा, ये इधर वाला भी नहीं करेगा, इधर वाला भी नहीं करेगा, और इधर वाला कहीं कर रहा है क्या, देखो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा ना, इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, सिर्फ ये दो एटम इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो आपका इस बार जो इफेक्टिव एटम्स है वो किस तरीके से निकलेंगे, 1/4 4, और जो फेस पे एक एटम होता है वो अपना कितना कॉन्ट्रीब्यूट देता है, 1/2, कैसे निकालोगे, देखो आप देखो ये फेस पे इस तरीके से रखा था, कितना एंगल है 180 डिग्री, तो कितना होगा 180 डिग्री अपॉन 360
360 तो कितना आएगा 1/2। इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या होगा 1/2 इसका कॉन्ट्रीब्यूट करेगा 1/2 आएगा और कितने आइटम है 2 आइटम, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वापिस से कितना जाएगा इफेक्टिव कितना जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है तो वही बात वापिस से क्या आएगा एरिया कितना ही आएगा, एरिया डेंसिटी ये 2 है तो 2 आने वाली है। एपीएफ में चेंज होने वाला है, एपीएफ में क्या चेंज होने वाला है सिर्फ कितना पार्ट चेंज होगा देखो जो आपका 2 है वो तो आएगा इफेक्टिव इंटू पाई आर स्क्वायर रहेगा और अपॉन ए स्क्वायर, बट ए स्क्वायर में जो एफसीसी की जो रिलेशन होता है वो कितना होता है वो आपका रिलेशन होता है 2R इक्वल्स टू कितना होता है a बाई रूट टू, तो a बराबर कितना जाएगा 2√2R, वैल्यू रखो 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4, ठीक है इंटू रूट टू का कितना हो जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल 2 से 2 कैंसिल वापस कितना जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है सॉरी ये एक सेकंड रुकना, इस बार जो एरिया है ना एरिया एरिया अपना कितना है रूट टू है भाई सॉरी यदि पीछे वाले में भी जो मिस्टेक हुआ है उसको चेंज कर रहे हो ए स्क्वायर नहीं रूट टू ए है। ठीक है तो रूट टू तो ये है 4 2 ये तो रहेगा नीचे रूट टू और रहेगा। ठीक है तो ये आएगा आपका पाई और 4√2R सॉरी R से कैंसिल हो गए ये वैल्यू पाई अपॉन 4√2 वैल्यू आई। ठीक है इसकी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा अपना अपनी वैल्यू आएगी 55% अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना ये चेक करना। ठीक है एफसीसी हो गया। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 1-1 प्लेन इन सिंपल क्यूबिक इन बीसीसी इन एफसीसी ये डिस्कस कर। ठीक है आओ उसमें कैंसिल हो गया तो देख लेना रूट टू ए का ना कुछ ऐसा पोर्शन आ गया देख लेना एक बार देखते जाओ। ठीक है ना अब अपन बात करते हैं किसके लिए बात करेंगे अपन देखो 1-1-1 प्लेन इन सिंपल क्यूबिक बीसीसी और एफसीसी एक बता रहा हूं दोनों को आपको करना है। ठीक है नेक्स्ट वाले पार्ट को आगे डिस्कस करेंगे अपन जब यदि नहीं आता है तो डिस्कस करेंगे बाकी आप राइट डाउन कर लेना नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है अब आपको बताते हैं जो ये किस तरीके से हो रहे हो 110 प्लेन पहले तो ड्रॉ करो एक के लिए बताने के बाद आपको मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी दोनों के लिए बताने के लिए एक के लिए अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है आओ ये लो ठीक है ये लो आपका ये वाई ये जेड और ये एक्स आपको 100 प्लेन करना है इसका मतलब एक्स पे भी 1 है वाई पे भी 1 है और जेड पे मैंने क्या बताया था जो भी लाइन पहले आप ड्रॉ करो जो भी पॉइंट्स आप यहां पे कट करो उन पॉइंटों को आपस में पहले मिला दो तो जो प्लेन मिलेगा आपका वो क्या मिलेगा 110 प्लेन कौन सा मिलेगा 110 ये प्लेन। ठीक है अब वही बात सबसे पहले इफेक्टिव एटम्स निकाल रहे हैं तो देखो ये ट्रेंगल कितना बनाएगा 60 बनाएंगे सर। ठीक है तो 60 अपॉन 360 कितना हो जाएगा 1/6 तो एक एटम इसके अंदर कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/6 तो 1/6 इंटू कितने एटम है 3 एटम कितना आएगा 1/2 पार्ट इसका क्या करेगा इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा और कोई भी एटम नहीं तो आपको छेड़ना भी नहीं। ठीक है उसके बाद सेकंड आपको क्या फाइंड आउट करना है एरिया फाइंड आउट
इस ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, यदि नहीं कर रहे हो तब भी बेस इनटू हाइट, और वैसे कर लेना ये 60 और ये रूट 2a होगा, वहां से फाइंड आउट करो। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको कितना होता है इसका जो एरिया होगा, होगा रूट 2 अपॉन सॉरी रूट 3 अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया आ जाएगा इसका प्लेन का। उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, एरिया डेंसिटी। एरिया डेंसिटी कितने इफेक्टिव एटम है, 2, तो 1/2 नीचे एरिया ऑफ प्लेन यानी एरिया नहीं रूट 3, ठीक है, 2 पर जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल कितना जाएगा ए स्क्वायर अपॉन रूट 3, ठीक है। अब आपको एपीएफ निकालना है, तो एपीएफ कैसे निकालोगे, वही आपका जो 1/2 एटम इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा एरिया ऑफ प्लेन, एरिया ऑफ प्लेन कितना है रूट 3 और बाई 2 ए स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, ठीक है, मेरे कितनी बची पाई आर स्क्वायर अपॉन रूट 3 ए स्क्वायर। अब आपको आर को ए ले लेना या ए को आर को, तो उसके लिए क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन रूट 3 इंटू क्या आएगा 2 यानी 4 आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कितना आ गया पाई अपॉन 4 रूट 3, और जब इसको आप सोल्व करोगे तब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अप्रोक्सीमेट 45.3% परसेंटेज। इस तरीके से आप इसका जो एरिया डेंसिटी है एपीएफ फैक्टर है वो निकाल सकते हो। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, नहीं हो तो आप क्या कर देना एक बार मेरे को मैं कमेंट कर देना ताकि मैं आगे नेक्स्ट वाले डिस्कस कर दूंगा। आपको 1-1-1 प्लेन किसके अंदर करना है एफसीसी और बीसीसी के लिए आपको स्टडी करना है, ठीक है, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हो किस तरीके से निकालते हो नेक्स्ट वाले पार्ट में आप कमेंट करके बता देना मैं डिस्कस कर दूं, ठीक है। अब आज एक छोटी सी आपको एक टॉपिक और बता देते हैं उसके बाद अपन नेक्स्ट पे करेंगे, आज सेटअप किया है कल से आपको रेगुलर वीडियो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। देखो एक छोटा सा क्या है डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी में जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। देखो डायरेक्शन जब भी बात आएगी देख लो आप, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, तो किस तरीके से डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी आप फाइंड आउट करोगे उसके लिए आप जब भी डायरेक्शन की बात हुई क्रिस्टलोग्राफी के अंदर तो वो आपको बड़े यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि यदि मेरे को आप 100 की आप डायरेक्शन बताओ तो क्या करेंगे अपन, देखो ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है, ये जनरल टॉपिक था, आगे मैं प्लेन की डिस्कस करूंगा डायरेक्शन ऑफ प्लेन में किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, इसलिए मैं छोटा सा टॉपिक बीच में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। देखो ये मान लो वाई, ये आपका जेड और ये आपका एक्स, ठीक है। 100 का मतलब क्या हुआ, ओनली एक्स पे चल रहे हो आप, कितना चल रहे हो, इसका मतलब आप ओरिजिन ये है तो आप एक्स में इतना चल रहे हो, इसके मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। मैं बोलूं आपको कि आप 0-1-0 में डायरेक्शन में चलो, डायरेक्शन है स्क्वायर, इसका मतलब वाई में चल रहे हो आप, ये लो ये डायरेक्शन हो। यदि मैं बोलूं आपको कि 0-0-1 पे आप डायरेक्शन पे मूव करो तो आप एक्स पे नहीं चल रहे हो, वाई पे नहीं, ओरिजिन से डायरेक्ट कहां चल रहे हो जेड पे, ये लो आपकी डायरेक्शन, ये तो सिंपल डायरेक्शन हो। यदि मैं आपको बोलूं कि मुझे आप फाइंड आउट करो 1-1-0 की डायरेक्शन फाइंड आउट, ठीक है, तो आप सबसे पहले मुझे बताओ एक्स पे चले हो वन, ये लो, ठीक है, उसके बाद आप कहां चले हो 1y, इसका मतलब 1y यहां चले, इनका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन कहां आएगी आपकी ओरिजिन से, ये लो डायरेक्ट डायरेक्ट। अब मैं बात करूं आपकी नेक्स्ट पे 1-1-1 की बात, ठीक है, 1-1 की बात करो, इसका मतलब आप यहां से चलो एक्स पे चले वाई पे चले और जेड पे चले, ठीक है, इसका मतलब आप कहां से ड्रॉ करोगे इस पॉइंट से,
ठीक है, यहां पे इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं थोड़े से और डायरेक्शन, मान लो आपसे इस तरीके की डायरेक्शन पूछ ली जाए, जैसे मैं बोलता हूं आपको जैसे टू, ठीक है, और वन और टू, इसकी डायरेक्शन बताओ टू वन टू, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो भी कॉमन टर्म हो जैसे टू को बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा, वन वन बाई टू और वन, ये बचेगा। इसका मतलब आप क्या चल रहे हो, x में वन चल रहे हो, y में आधा चल रहे हो, उसके बाद z में पूरा चल रहे हो, ठीक है, वन, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होती है, ठीक है। डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आप नेगेटिव पार्ट लेते हो उसके अंदर कंसीडर, मान लो ये तो यहां पे क्या रहता है, वन बार, इसका मतलब आप x में इस बार इधर ना चल के कहां लेते, इस बार ओरिजिन इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको ओरिजिन शिफ्ट कर लेते हैं, जिस पे भी बार लगे ना उसका ओरिजिन इधर शिफ्ट कर लिया, इसका मतलब ओरिजिन आपका ये हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये है z, ये y और ये x, तो इस बार यदि वन पे चलना था तो ये लो, ठीक है, उसके बाद y में वन बाई टू, ये इतना पॉइंट, और z में ये पॉइंट, इसकी डायरेक्शन इस तरीके। डायरेक्शन पे और डिस्कस करेंगे, मैं जनरली में जाते जाते ये बता दिया आपको किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आज का फर्स्ट डे है यहाँ का, तो इस फर्स्ट डे के अंदर इतना ही बताते हैं आपको, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कल से आपको सॉलिड स्टेट के फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगी, और कल से इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा आपका, कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन में 101% जितना वो करवाते हैं उतना उनसे भी ज्यादा या फिर उनके इक्विवेलेंट आपको करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और YouTube पे भी आपको सब कुछ मिल सकता है यदि ऑनलाइन ही आपको पढ़ना है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन मिलेंगे वीडियो के अंदर कल, और कल इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां तक आप देखें, और डायरेक्शन की बात वापस भी करेंगे अपन एक बार, ना मैंने जनरली बता दिया था कल, वापस इसके ऊपर प्लेन के साथ डायरेक्शन किस तरीके से, किस तरीके से एंगल फाइंड आउट किया जाता है, आपको दो डायरेक्शन दे दी जाए तो बीच में प्लेन के बीच में, और किस तरीके से हेक्सागोनल के अंदर किस तरीके से रिलेट किए जाते हैं उनको, वो पूरा कंप्लीट अपन सॉलिड कंप्लीट करेंगे, जिस तरीके से क्लासिकल किया ना उसी तरीके से कंप्लीट सॉलिड करेंगे, ठीक है। तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे, ठीक है, जय हिंद।